सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय छे। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय छे। हे प्रियो में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया, तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बालसान की कियारियों की ओर गया है, ताकि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। हे मेरी प्रिया, तू तिरसा की नाई सुंदरी है, यरूशलेम के समान देखने में मनोरंजक है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे हार गया हूं। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलात की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। तेरे दांत ऐसी भेड़ों के झुंड के समान हैं जिनको स्नान कराया गया हो, जिनमें से प्रत्येक ने दो दो बच्चे दिए हो और उनमें से किसी का साथी नहीं जाता रहा। तेरी कनपटिया तेरी लटों के नीचे अनार की फाक की सी देख पड़ती है। 60 वानियां और 80 सखी सहेलियां और असंख्य कुमारियां भी है, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वैत है। वह अपनी माता की एकलौती है, वह अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और सहेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। मैं अखरोट की बारे में उतर गई कि नाले के अंकुर देखो, और देखो कि दाखलता में कली लगी और अनारों के फूल खिल गए हैं कि नहीं। मुझे पता भी न था कि मेरे मन ने मुझे अपनी कुलीन जाति भाइयों के रथों पर चढ़ा दिया। और लौटा लौटा हे शुलमिंत, लौटा लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। क्या तुम शुलमिंत को इस प्रकार देखोगे जैसा महनाइम के नृत्य को देखते हैं?